हरियाणा डी2 में आपका स्वागत है। नॉर्नल रेवाड़ी के 30 गांव में हजारों एकड़ से ज्यादा फसल को नुकसान। देर रात रेवाड़ी में टिड्डियों पर शुरू किया गया स्प्रे। कृषि मंत्री आज करेंगे दौरा। डीसी की अगुवाई में पूरा प्रशासन अमला। रात को हो रहा है मौके पर, व्यवस्था पर रखी नजर। जिले के 12 गांव में उतरा टिड्डी दल। रात 11:30 पर स्प्रे से टिड्डियों को मारने का काम शुरू हुआ और सुबह तक चलेगा। शाम को 4 घंटे आसमान में रात में टिड्डियां अंधेरा होने के बाद विश्राम के लिए करनी शुरू हुई। राज्य में रिकवरी रेट सुधरकर 62% के पार। 486 केस मिले, 12 की मौत। हरियाणा रिकवरी के मामले में दोबारा देश के औसत 59.6 से बेहतर हुआ। मृतकों की संख्या 500 पार करने वाला रोहतक बना चौथा जिला। गुरुग्राम में 59 था देश में रिकवरी रेट, तब राज्य में यहां आंकड़ा 64 था। हरियाणा में एक दिन पहले ही 400 से कम केस आए थे, लेकिन अगले ही दिन शुक्रवार को फिर 486 नए केस मिले, जबकि 12 लोगों की मौत हो गई। अब गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत के बाद रोहतक जिले में भी कोरोना संक्रमण का बड़ा 500 पार हो गया। इन जिलों के लोगों का दिल्ली आना जाना तक ज्यादा होता है। प्रदेश में अब कुल मरीजों की संख्या 13,073 हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 219 पहुंच गया। नगर निगमों पालिकाओं में ठेका प्रथा होगी बंद। निकायों के रोल पर हो गई सफाई कर्मियों अंबाला सिटी शुरू की। सभी निकायों से रिकॉर्ड मांगा। नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कार्यरत सफाई कर्मचारियों को पालिका रोल पर लेने का निर्णय लिया। गृह मंत्री व शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने वर्ष 2014 से कार्यरत 54 सफाई कर्मचारियों को पालिका रोल पर लेने के लिए नियुक्ति पत्र सौंपी। प्रदेश में सफाई कर्मचारियों ने कोरोना महामारी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरकार द्वारा उन्हें पालिका रोल पर लेने का निर्णय लिया। 187 लाख किसानों के खाते में डाला जाएगा 22.99 करोड़ ब्याज। गेहूं बिक्री की राशि देर से किसान को देने का मामला। 13,610 अड़तियों से वसूला जाएगा ब्याज। सोमवार तक सभी को भेजे जाएंगे नोटिस। प्रदेश में 13,610 अड़तियों से 187,858 किसानों को 22,99,38,811 रुपये की ब्याज की राशि वसूली जानी है। धन्यवाद। आज हरियाणा में यही था।